So before collecting data, we need to know what we would use it for. अब suppose करिए आपको अपने maths में अपने class में कैसी performance है बच्चों की वो चाहिए, या फिर इंडिया की फुटबॉल या क्रिकेट में क्या परफॉर्मेंस रही, या फिर एक एरिया में कितनी लेडीज़ एजुकेटेड हैं, फीमेल लिटरेसी रेट क्या है, और अगर आपके आसपास जितनी फैमिलीज़ हैं उसमें जो बच्चे हैं उनमें से कितने बच्चे 5 साल से कम उम्र के हैं। तो आप इन सिचुएशंस के लिए डाटा कलेक्ट करेंगे, और जब तक आप सही डाटा कलेक्ट नहीं करेंगे आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। तो इसके लिए जो है आप देखिए कि क्या आपको जानना है। अब हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ डाटा। जब हम कलेक्ट करते हैं डाटा को तो और उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। तो सपोज़ करो कोई टीचर है मिस नीलम, उनको ये पता करना है कि इंग्लिश में बच्चों की परफॉर्मेंस क्या रही, तो वो उन बच्चों के मार्क्स लिखेंगी। जैसे उन्होंने 10 बच्चों के मार्क्स उन्होंने कलेक्ट कर लिए। अब जो है इससे उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, तो अब उनको ये देखना पड़ेगा कि जो पता कर रही हैं क्या उनकी परफॉर्मेंस, जैसे किसी बच्चे को होशियार समझ रही हैं, नंबर वो कम ला रहा है, या कोई बच्चा वो सोचती हैं अच्छा नहीं है वो ज़्यादा नंबर ला रहा है, तो उनको जो है एक टेबुलर फॉर्म में अपने डाटा को वो कलेक्ट करेंगी। और उसके लिए वो क्या करेंगी, वो रोल नंबर लिख लेंगी 1 से लेकर 10 तक, और उसके बाद सब बच्चों के नाम लिखेंगी, उनके आगे उनके 50 में से कितने नंबर हैं वो लिख लेंगी। अब जो है इससे भी उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा, तो इसलिए उन्होंने एक दूसरे तरह से उसको ऑर्गेनाइज करा, जो सबसे ज़्यादा नंबर लाए हैं जिसके उसको पहले लिखा, और घटते हुए क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में सबको अरेंज कर लिया, रोल नंबर्स भी उनके उनके नामों के आगे लिख लिए, तब उससे ये पता बहुत कुछ पता कर सकती हैं। तो इस तरह से सबसे अच्छा पढ़ने में है आशीष, और सबसे पुअर जो है वो जय है जिसको मदद की ज़रूरत है। तो इस तरह आप कुछ भी किसी भी तरह का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे जो है आपके टेबुलर फॉर्म में आपका रिज़ल्ट बनता है, और टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा सकता है, और प्रोग्रेस रिपोर्ट को भी डाटा के फॉर्म में लिखा जा सकता है। आप खुद ट्राई करिए, जैसे 20 बच्चे हैं तो उनके वेट को कलेक्ट करिए, उनको ऑर्गेनाइज करिए, सबसे ज़्यादा हैवी कौन है, कॉमन वेट क्या है, और आपके और आपके फ्रेंड के वेट में क्या डिफरेंस है, तो ये आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। अब व्हाट आर रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़। अब आप एवरेज के बारे में जानते हैं डे टू डे लाइफ में, वो कह रही है जैसे ईशा लगभग 5 घंटे एवरेज पढ़ती है, औसत जिसको कहते हैं। तो द एवरेज टेम्परेचर दिस टाइम ऑफ ईयर इज़ 40 डिग्री, या एवरेज एज ऑफ पीपल्स इन माई क्लास इज 12 ईयर्स, या एवरेज अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल ड्यूरिंग इट्स फाइनल एग्जामिनेशन वॉज 98%। तो इस तरह की बहुत सारी स्टेटमेंट्स आप कलेक्ट करते हैं। तो क्या अगर ईशा क्या एग्जैक्टली रोज़ 5 घंटे पढ़ती है, ऐसा नहीं है, हो सकता है किसी दिन वो 5 से कम घंटे पढ़ी हो या 5 से ज़्यादा घंटे पढ़ी हो, एवरेज उसकी बताई गई है। तो इसलिए व्हाट इज़ द एवरेज, एवरेज एक्चुअली वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन वैल्यू इज़ द अरिथमेटिक मीन। सो व्हाट इज़ अरिथमेटिक मीन, ठीक है, उसके लिए क्या है आपके पास फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सारी ऑब्जर्वेशन को टोटल करके और जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसे पहले केस में अभी हमने 10 बच्चों के मार्क्स देखे थे तो वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गए, उससे आप डिवाइड कर दीजिए, एवरेज पता चल जाएगी। जैसे आशीष जो है 4 घंटे 5 घंटे और 3 घंटे 3 दिन पढ़ा, तो एवरेज कितना पढ़ा, तो 4 + 5 + 3, और 3 दिन की बात है, तो जो ये जितनी ऑब्जर्वेशंस कहलाती हैं ये 4 आवर्स 5 आवर्स 3 आवर्स, तो आप 3 से उसको डिवाइड कर दीजिए, आपको उसकी एवरेज स्टडी कितनी हुई है 3 दिन में पता चल जाएगी, 4 आवर्स पर डे। अब बैट्समैन है, उसने जो है नंबर ऑफ 6 रन इन 6 इनिंग्स, 6 इनिंग्स में उसने जैसे इतने इतने रन बनाए, तो एवरेज क्या है, सबको टोटल करके 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो वो आ रहा है 47, जो उसने एक बार भी जो है स्कोर नहीं किया है लेकिन उसका एवरेज 47 है। तो इस तरह से हम एवरेज पता करते हैं।
आप खुद अपने भी देखिए, आप एवरेज कितना पढ़ते हैं दिन में, और सब डाटा कलेक्ट करके और जितने दिन का है वो उससे डिवाइड कर दीजिए। तो ये जो आपको एवरेज मिलेगा जो वो सबसे ज़्यादा और सबसे कम में कहीं बीच का होगा, वो ना तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है ना कम से कम हो सकता है, वो कहीं पे इन बिटवीन होगा। तो जिस तरह से 5 + 11.2 = 8 इज समवेयर बिटवीन 5 and 11, इसी तरह दो फ्रैक्शनल नंबर्स हैं तो जैसे हाफ और 1/4 है, तो आप इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 3/8 आएगा। तो 3/8 इज समवेयर इन बिटवीन हाफ एंड 1/4। इस तरह 1/2 और 3/8 में आप इसको कैसे निकालेंगे, इसको भी आप इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके बीच में जितने नंबर आएंगे यहाँ पे हो जाएगा 8/16 और यहाँ पे हो जाएगा 6/16। तो इन दोनों के बीच में 7/16 आ रहा है। तो इस तरह से ये जो एवरेज है 7/16, दिस इज समवेयर बिटवीन दीज टू नंबर्स हाफ एंड 3/8। तो आप जो है ये एवरेज जो होती है या मीन जो होता है वो इन बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू। नाउ व्हाट इज़ द रेंज, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द स्प्रेड ऑफ द ऑब्जर्वेशन। सो यू कैन, हाउ विल यू फाइंड इट आउट, सब्ट्रैक्टिंग द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन। जो सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में से सबसे कम को माइनस कर दो तो जो आंसर आएगा वो रेंज कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके पास, ये 10 टीचर्स की एजेस दे रखी हैं एक स्कूल में, तो एज ओल्डेस्ट टीचर, व्हाट इज़ द एज ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट टीचर, ओल्डेस्ट टीचर इज 54 एज यू कैन सी एंड द यंगेस्ट इज हेयर 23, राइट। सो है ये है उनकी उम्र, और रेंज क्या है उनका, 54 - 23 = 31 ईयर्स। मीन एज क्या हो जाएगी, सबको ऐड करके 10 से डिवाइड कर दीजिए तो 35 ईयर्स हो जाएगी। तो एक्सरसाइज 3.1 आप करिएगा, और जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन वो आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अब हम आते हैं मोड पे। तो मीन जो है, इट इज़ नॉट द ओनली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑन और द ओनली फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। तो फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम अ डाटा अदर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज आर यू। तो मीन जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी है, तो सिर्फ मीन ही नहीं मोड भी होता है। अब जैसे वीकली डिमांड है डिफरेंट साइज ऑफ शर्ट की एक शॉपकीपर के पास, उसने बेची वो शर्ट्स कितने दिन में, एक हफ्ते में, और कितनी बेची हैं ये उसने सारा रिकॉर्ड कर लिया। अब जैसे 90 सेंटीमीटर की 8, 95 की 22, 100 की 32, 105 की 37, 110 की 6, और टोटल जो उसने शर्ट्स बेची वीक में 105 थी। अब उसने क्या पता किया है, उसने मीन पता किया है, भाई कितना जो है बिकी उसकी, तो 105 बिकी हैं टोटल, और कितने दिनों में, 1, 2, 3, 4, 5 दिनों में, 5 से डिवाइड करा तो मीन ऑफ शर्ट्स इज 21। एक दिन में उसने 21 शर्ट्स बेची हैं लगभग। अब लेकिन कितने साइज़ की थी ये 21, कौन कौन से साइज़ की बिकी हैं, तो ये तो उससे नहीं पता कर पाएगा। तो उसने क्या किया, रिकॉर्ड देखा, तो उसने कौन कौन सी जो सबसे ज़्यादा बिकी थी वो थी 105 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 95 की। तो उसने ये तीनों साइज़ की शर्ट्स ज़्यादा ख़रीदी हैं, बाकी उसने कहा इनको अब बिक कर रही हैं तो नहीं ख़रीदेंगे। तो ये आपको जो है ये एक बता रहा है आपको मीन के बारे में, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखो। अब एक रेडीमेड ड्रेस शॉप वाला शॉपकीपर कहता है कि द मोस्ट पॉपुलर साइज़ ऑफ ड्रेस आई सेल इज़ द साइज़ 90 सेंटीमीटर। उसने कहा भाई 90 सेंटीमीटर वाली सबसे ज़्यादा बिकती हैं, तो उसको अब ये उसने भी यही देखा, उसको भी यही था कि भाई कौन सी साइज़ की शर्ट सबसे ज़्यादा बिक रही है। तो उसके लिए वो क्या करेगी, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू फॉर द डाटा, दिस इज अनदर रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू फॉर द डाटा, हाईएस्ट ऑकरिंग इवेंट इज सेल ऑफ 90 सेंटीमीटर। तो इसको हम मोड कहते हैं, इसको मोड कहा जाता है, सबसे ज़्यादा बिक रही है जो शर्ट वो उसका मोड कहला जाएगा। तो व्हाट इज़ द मोड ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन दैट ऑकर्स मोस्ट ऑफन।
जो सबसे ज़्यादा बार बार रिपीट हो रही है। अब जैसे आपको एग्जांपल 4 देखिए, इसमें आपको मोड पता करना है। तो पहले तो आप इसको ऐसे ही मत लिखिए, इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। अब आप देखेंगे कि ये जो 2 वाला है नंबर, ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो आप कह सकते हैं दैट मोड इज़ द मोड ऑफ दिस डाटा इज़ 2 बिकॉज इट इज़ ऑकरिंग मोस्ट फ्रिक्वेंटली देन अदर ऑब्जर्वेशंस। नाउ द मोड ऑफ, सपोज यू हैव अ लार्ज डाटा, मोड ऑफ अ लार्ज डाटा, हाउ विल यू फाइंड इट आउट? तो वो बहुत आसान नहीं होता है, तो इसके लिए हमारे लिए टैबुलेट करना पड़ता है उनको। टैबुलेशन जो है उसमें क्या करेंगे, टैली मार्क्स, टैली बार्स लिख लेंगे और उसकी फ्रिक्वेंसी को पता कर लेंगे, जैसे आपने पिछली क्लास में किया था। तो अब जैसे आपके पास फुटबॉल मैचेस की विक्ट्री जो हुई है वो लीग में वो दी हुई हैं, मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री मींस वन गोल, 3 गोल, 2 गोल, 5 एक्सेट्रा, इस तरह से सबकी दे रखी है फुटबॉल मैचेस की। तो इसका आपको मोड पता करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री देखेंगे कि 1 गोल से जीते या 2 गोल से या 3 गोल से या 4 गोल से या 5 गोल से या 6 गोल से। ज़्यादातर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा 2 गोल से जीत रहा है इसमें, ये नंबर ऑफ टैली बार्स देखिए, और सबसे कम 6। अब 6 गोल लगातार कोई कैसे कर सकता है, 6 गोल ज़्यादा अपोजिंग टीम से, तो वो जाहिर सी बात है कम है वो नंबर, ये कम होता जा रहा है। तो अब आप मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री लिखेंगे, यहाँ पे 1 से लेके 6 तक हैं यहाँ पे इस डाटा में, और फिर देखिए वो कितनी बार ऑकर कर रहा है 1, तो ये यहाँ पे 9 टाइम्स ऑकर कर रहा है, और 2 गोल से 14 टाइम्स, 3 गोल से 7 टाइम्स, 4 गोल से 5 टाइम्स, 5 गोल से 3 टाइम्स, और 6 गोल से 2 टाइम्स ये रिपीट हुआ। तो ये जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं टोटल उनका नंबर ऑफ मैचेस यहाँ उतने ही आने चाहिए, वरना आप मिस कर गए हैं कहीं। अब टैली बार्स कैसे आप लिखते हैं कि 1, 2, 3, 4 तो सीधी लाइनों से 5वां नंबर को आप क्रॉस कर देते हैं। अब 9 लिखना है तो पहले आप 5 लिखिए फिर 4 लिख दीजिए, इस तरह 14 लिखना है तो 5, 5, 10 एंड 4, 14, इस तरह से आप लिखेंगे। तो व्हाट इज़ द मोड ऑफ दिस डाटा, सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन इज 2, सो देयरफॉर 14 इज़ द मोड ऑफ दिस, सॉरी 2 इज़ द मोड ऑफ दिस डाटा, यानी सबसे ज़्यादा मैचेस 2 गोल की बढ़त से जो है वो जीते गए हैं, दैट इज़ द मोड। कैन अ सेट ऑफ नंबर्स हैव मोर देन वन मोड, क्या किसी डाटा के एक से ज़्यादा मोड भी हो सकते हैं? बिल्कुल, अगर 2 ऑब्जर्वेशन बराबर हैं तो आप कह सकते हैं, जब से 2 जो है 3 टाइम्स है और 5 भी 3 टाइम्स है इस डाटा में, 2 3 टाइम्स है और 5 भी 3 टाइम्स है, तो ये 2 इसके मोड हो गए, 2 एंड 5, दे आर बोथ द मोड्स ऑफ दिस डाटा। तो ट्राई दीज एंड डू दिस, जो आपको दे रखे हैं डाटा, हाइट्स वगैरह दे रखी हैं। तो जहाँ आपको जो मीन होता है वो एवरेज देता है सारी ऑब्जर्वेशंस का, तो मोड जो होता है वो बताता है कि कौन सी ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा ऑकर की है। तो अब जैसे यू हैव टू डिसाइड अपॉन द नंबर ऑफ चपातीज नीडेड फॉर 25 पीपल कॉल्ड फॉर अ फीस्ट, 25 लोगों को आपने खाने पे बुलाया, अब उसके लिए कितनी चपाती चाहिए, तो आप कैसे पता करेंगे उसको? तो आप डाटा कलेक्ट कर लीजिए, shopkeeper selling shirts has decided to replenish her stock, we need to find the height of the door needed in our house। तो कई तरह के डाटा होते हैं, तो अगर आपको पिकनिक में जाना है और आपको एक फल ख़रीदना है सबके लिए, तो कौन सा फल जो है वो आप लेंगे? तो हमको सबके लिए जो एक एस्टिमेट चाहिए होता है। आप मान लीजिए आपको ये पता है एक व्यक्ति कितना चपाती, वैसे तो पता नहीं चल सकता लेकिन फिर भी आप पता कर सकते हैं कि एक व्यक्ति कोई एक ही भी खा रहा है, तो ज़्यादातर 2 खा रहे हैं, कुछ ने 3 खाई हैं और कुछ ऐसे भी हैं 4-4 खाने वाले भी हैं, तो मोड क्या हो जाएगा, 2 सबसे ज़्यादा है तो 2 है, और जो है टोटल वैल्यू हो जाएंगी 50 चपाती,
अगर 25 लोग दो दो खाते हैं तो 50 चपाती चाहिए, लेकिन हो सकता है कम पड़ जाए, तो मीन जो है यहाँ काम नहीं देगा हमें। तो उसके लिए मान लो आपको हाइट चाहिए डोर की, जो आपको घर में अपने बनाना है, तो 5 बच्चे हैं, 4 बड़े हैं, तो 5 बच्चे जो हैं उनकी हाइट देखेंगे, मान लीजिए 135 सेंटीमीटर है, और जो मोड़ हो जाएगा 135 सेंटीमीटर, तो आप जो है 144 सेंटीमीटर लंबा हम डोर बनाएंगे, तो हो सकता है वो उससे हो ना निकल पाए। तो इसलिए मोड़ जो होता है ये अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेटिव नहीं है इस डाटा के लिए। तो एक पर्टिकुलर डाटा के लिए हमको एक अलग तरह का मीन चाहिए। सो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जो है हमें पता करनी पड़ेगी। अब आते हैं मीडियन पे। तो हमने देखा कि कुछ सिचुएशंस में अरिथमेटिक मीन जो होता है ये अप्रोप्रिएट मेजर है या सेंट्रल टेंडेंसी कहलाती है, और कुछ सिचुएशन में ये नहीं होती, मोड जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब जैसे 17 स्टूडेंट्स हैं, उनकी हाइट्स दे रखी हैं, अब वो टीचर जो है वो डिवाइड करना चाहती है दो ग्रुप्स में, सो दैट उनमें बराबर बराबर बच्चे हों। तो एक ग्रुप जो है उसमें एक पर्टिकुलर हाइट से कम हाइट वाले बच्चे हैं, दूसरे ग्रुप में उस पर्टिकुलर हाइट से ज़्यादा हाइट वाले बच्चे हैं, तो वो क्या करे? तो उसके बाद काफ़ी ऑप्शंस हैं, मीन पता कर ले वो। तो टोटल आ रही है 1930 और 17 बच्चे हैं, तो वो उनका 113.5 आ रहा है मीन। तो इस मीन हाइट पे बेसिस पे वो आप वो दो ग्रुप्स में कर लेगी। तो 113.5 से कम वाले बच्चे एक तरफ और उससे ज़्यादा वाले दूसरी तरफ, सो जो है अनइक्वल साइज़ का हो जाएगा ग्रुप। अब आप देखिए 113 जो है ये 112 के बाद 115 आ गया, तो इधर तो सिर्फ 17 में से 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे ही हुए, इधर 10 बच्चे हो गए, तो वो बराबर ग्रुप्स में नहीं बांट पाए उनको। तो सेकंड ऑप्शन उसका ये होगा कि मोड फाइंड करें। तो हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 115 की आ रही है, तो वो मोड हो जाएगा इसका। तो उसमें जो 7 बच्चे जो हैं वो बिलो द मोड और 10 जो हैं वो अबव द मोड हैं, तो इस पर भी हम इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड कर सकते। तो हमें कुछ और रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी सेंट्रल टेंडेंसी के लिए। तो उसके लिए हम फिर से स्टडी करते हैं हाइट्स को। तो हम जो ये ऑब्जर्वेशंस को फिर से देखते हैं, तो मिडिल वैल्यू जो है वो 115 है, क्योंकि वो दो इक्वल ग्रुप्स में 8-8 बच्चों के उनको बांट रही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तो इधर हो गए, इधर से काउंट करा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एक 115 वाला बच गया, तो ये मीडियन कहलाता है। तो व्हाट इज़ अ मीडियन? मीडियन रेफर्स टू द वैल्यू विच लाइज इन द मिडल ऑफ द डाटा when you arrange it in increasing or decreasing order with half of the observations above and the other half below it। तो उसने कहा कि जो बीच का जो ये 115 वाला है इसको रेफरी बना देंगे। तो 7 बच्चे इधर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे एक तरफ, 8 बच्चे दूसरी तरफ, 16 हो गए, और 17वां बच्चा रेफरी बन गया। तो ये मीडियन कहलाता है, जो मिडल वैल्यू होती है वो मीडियन कहलाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि मीडियन और मोड की आपको सेम वैल्यू मिले। तो इसका मतलब ये हुआ मीन मोड एंड मीडियन, तो ये रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज हैं ग्रुप की ऑफ ऑब्जर्वेशन और डाटा। तो दे लाई बिटवीन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यूज, और इसको हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं इन तीनों को। किस किस को? मीन, मोड एंड मीडियन। इसको एक बार फिर आप समझिएगा और करिएगा। अब जो है एक्सरसाइज 3.2 आप करिए, जो आपको सम समझ में नहीं आएगा वो आपको अलग से बता दिया जाएगा। और यूज़ ऑफ
बार ग्राफ्स विद अ डिफरेंट पर्पस। तो आपने ये लास्ट ईयर देखा है कि कैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी जाती है, उसको फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में अरेंज किया जाता है, और इसको हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ पिक्टोग्राफ्स या बार ग्राफ्स भी कर सकते हैं। तो बार ग्राफ्स जो है आप देख कर उनसे आप अपने नतीजे पे डिडक्शन पे पहुंच सकते हैं, और उससे आप इंफॉर्मेशन भी पता कर सकते हैं, जैसे कि आप मोड क्या होगी आपकी बार ग्राफ की, जो लॉन्गेस्ट बार होगा, इफ द बार रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी। अब हमें स्केल चूज़ करनी पड़ती है जब हम बार ग्राफ बनाते हैं, तो उसके लिए आप बराबर विड्थ के, चौड़ाई के और लेंथ के बार्स जो है यूज़ करेंगे, और डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे उनकी, और स्केल आपने कौन सी चूज़ करी है। जैसे कि जो एक ग्राफ रिप्रेजेंट्स वन यूनिट लेंथ फॉर वन ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन के लिए वन यूनिट लेंथ को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और दिखाएगा वो आपको कि टेंस और हंड्रेड्स में कैसे आप उनको दिखाएंगे। तो एक यूनिट कैन रिप्रेजेंट टेन और हंड्रेड ऑब्जर्वेशन डिपेंडिंग अपॉन द डाटा। फॉर एग्जांपल एट, देखिए दोस्त 200 बच्चे हैं सिक्स और सेवन क्लास में, उनसे कहा गया फेवरेट कलर बताइए और स्कूल की बिल्डिंग का कलर क्या होना चाहिए। तो उसको कलेक्ट किया गया डाटा को, तो सबसे फेवरेट कलर उन्होंने 5 चूज़ करे, जिसमें कि कितने बच्चों ने चूज़ किया कौन सा कलर वो बताया गया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा फेवरेट है ब्लू कलर, 55 बच्चों ने चूज़ करा, और सबसे कम फेवरेट है 19 वाला ग्रीन कलर। ठीक है, तो दैट इज़ द प्रेफर्ड कलर इज़ ब्लू एंड द लीस्ट प्रेफर्ड इज़ ग्रीन। कितने कलर्स हैं? ये 5 कलर्स हैं, कौन कौन से हैं वो आप बता दीजिए। अब जो है इसमें आपको क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है एक डाटा पे, डाटा को एक बार ग्राफ में। तो आप क्या करें, ये बराबर लेंथ के बार्स जो हैं वो आप सिलेक्ट कर लें, जिसकी लंबाई जो है वो, जिसकी चौड़ाई जो है सबकी बराबर होनी चाहिए। दिस इज़ द ब्रेथ, देयर इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स हुज ब्रेथ शुड बी इक्वल। अब आपने स्केल जो ले लिया वो एक यूनिट जो है ये 0 से लेकर 10 तक, वो 10 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और बीच में आपके 10 स्मॉल डिविजन्स हैं। तो अगर आपको 43 लिखाना है तो आपने 10 से लेके जितने मैक्सिमम वैल्यू 55 की है उससे थोड़ा ज़्यादा आप पॉइंट में ले लीजिए, ठीक है, ताकि आप सारे डाटा को रिप्रेजेंट कर सकें। अब जो है यहाँ से आपको 43 को मार्क करना है, तो आप 40 यहाँ तक देखिए, उसके बाद 3 प्लेसेस और ऊपर लिख लीजिए, तो यहाँ पर पॉइंट लगा के और वहाँ से आप ये बार बना लीजिए पूरा। इसी तरह ग्रीन वाला भी 19 में 10-20 से एक कम, 55 में 50 और 60 के बीच वाला पॉइंट, और येलो जो है 49 है तो 50 से एक कम, ऑरेंज में 30 से 4 ऊपर, तो ये आपका बन गया ये बार। तो आपको स्केल जो है वो लेनी पड़ेगी। आप देखिए एग्जांपल 9, 600 में से बच्चों के नंबर्स हैं ये 6 बच्चों के एक किसी क्लास के, इसको आपको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो ये आप देख रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू इसमें कितनी आ रही है, 600 में से 500 आ रही है, तो आप एक यूनिट जो है वो 100 की ले लीजिए, 100, 200, 300, 400 एंड 500। तो एक छोटा जो स्मॉल डिवीजन होगा वो 10 को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब आपको जैसे यहाँ पे इसका बार ग्राफ बनाइए, बराबर ब्रेथ के आप बार्स ले लीजिए, कितने लेंगे आप, 6 बच्चे हैं तो 6 बार ग्राफ्स होनी चाहिए, और हर एक के नंबर्स को मार्क करते जाइए और वो ग्राफ को पूरा करा दीजिए। वन यूनिट क्या होगा, 100 मार्क्स की हो जाएगी। डबल ग्राफ बार ग्राफ भी बन सकता है, मान लीजिए आपको जो है एक डाटा दिया गया है, इसमें एवरेज डेली आवर्स ऑफ सनशाइन इन 2 सिटीज़ एबरडीन एंड मार्गरेट, 2 सिटीज़ हैं मार्गरेट एंड एबरडीन। तो उसमें
कम धूप निकलती है तो उसमें ये बताया गया है एक दिन में कितने घंटे धूप निकली। तो एक में 2 घंटे निकली मार्गेट में जनवरी में, फरवरी में 3/4, मार्च में 4 आवर्स, अप्रैल में 4 आवर्स, तो 12 महीने के लिए है ये। साउथ पोल के पास हैं तो जो है हर दिन बहुत ही थोड़ी धूप निकलती है, तो पूरे महीने में सिर्फ 2 घंटे निकली है। फरवरी में 3 घंटे और 1/4 आवर्स कितने हो जाएंगे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 1/4 में कितने घंटे हो जाएंगे, 24/4 6 आवर्स, तो दैट मीन्स अच्छा वी आर टॉकिंग अबाउट आवर्स, तो 1/4 ऑफ एन आवर सो दैट विल बी इन मिनट्स, तो एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं तो 60/4 कर दीजिए तो आपको उतने मिनट, 3 घंटे और इतने मिनट धूप निकली। तो ये आपको फ्रैक्शंस के, ये मिक्स फ्रैक्शंस के फॉर्म में भी दे रखा है और एबरडीन में इतना दिया है। अब आपको कंपेयर करना है दोनों को, ठीक है। तो इन विच मंथ डज ईच सिटी हैज़ मैक्सिमम सनलाइट, ये आप इनको देखकर बता सकते हैं, या मिनिमम सनलाइट। तो मैक्सिमम सनलाइट आप देख पा रहे हैं सबसे ज़्यादा इसमें मार्गेट में तो जून में निकली है और एबरडीन में अप्रैल में निकली है। तो ये आप इंडिविजुअली तो देख कर आप ये बातें बता सकते हैं, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए किस मंथ में विच सिटी हैज़ मोर सनशाइन आवर्स, तो दोनों में से किस में ज़्यादा सनशाइन रही एक पर्टिकुलर मंथ में, मान लीजिए अप्रैल में या मई में, तो आप देखकर दोनों को देखकर तो बता सकते हैं, तो लेकिन जो है इसको हम डबल बार ग्राफ में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, आप तुरंत देख के बता सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे एक बार ग्राफ बनाएंगे, हर ग्राफ में दो बार्स हैं, एक हो गई आपकी मार्गेट की जो खाली बनी हुई है, एबरडीन की जो कलर में है, और उन दोनों को आप ड्रॉ कर लीजिए। आप एक यूनिट लीजिए 1 आवर ऑफ सनशाइन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। अब आप देख रहे हैं जनवरी में मार्गेट में तो 2 आवर्स निकला है, उसमें 1.5 है, तो इन बिटवीन समवेयर 1 and 2 यू ड्रॉ द नेक्स्ट ग्राफ, उससे ही सटा हुआ। इस तरह सारे ग्राफ्स आप ड्रॉ कर लेंगे। अब 7/3/4 है जैसे ये मई में, तो मई में 7/3/4 7 hours and 3/4 of an hour, तो 3/4 कितना हो जाएगा, 7 और 8 के बीच में देखिए, 7 तो यहाँ कहीं है, तो 3/4 हो जाएगा 3/4 of 60, तो ये जाएगा 4 15 3 45 मिनट्स, तो लगभग 45 मिनट्स का, क्योंकि ये दोनों के बीच में 60 मिनट्स हैं, तो एक डिवीज़न कितने मिनट्स को शो करेगा, आप देख पा रहे हैं ना 60/10, तो 6 मिनट्स को शो कर रहा है, तो नियरली 7 से थोड़ा ज़्यादा पॉइंट पे आप इसको लगाएंगे 7/3/4, बाकी सब में हाफ हाफ है, तो वो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। एक और यहाँ पर दिसंबर में 1/3/4 है, तो उसको भी आप इसी तरह ड्रॉ कर सकते हैं, और आप बता सकते हैं कंपैरिजन किया जाए तो उसके बारे में कुछ भी पूछा जाए तो आप उसे बता सकते हैं। इसी तरह और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे एक मैथ्स टीचर है देखना चाह रही हैं कि जो न्यू टेक्निक उन्होंने यूज़ करी है तो उससे जो है वो अफेक्टिव है कि नहीं। तो सबसे कमज़ोर पांच बच्चे जो हैं मैथ्स में, उसका उन्होंने मार्क्स जो उन्होंने टेस्ट लिए क्वार्टरली टेस्ट, तो 25 में से लिए थे, और एंड इन द हाफ ईयरली टेस्ट आउट ऑफ 25, तो उन्होंने सबके मार्क्स कलेक्ट करे, ठीक है, तो वो उन्होंने क्वार्टरली के अलग इकट्ठा करे, हाफ ईयरली के अलग इकट्ठा करे। अब उन्होंने उनका बार ग्राफ बनाया, तो उन्होंने क्या देखा, अब उन्होंने क्या लिया, एक यूनिट उन्होंने क्या ले ली थी 5 मार्क्स की, ठीक है, तो 0, 5, 10, 15, 20, 25,
अब उन्होंने बार ग्राफ बना लिए सबके, उन्होंने क्या देखा कि सेकंड हाफ ईयरली में जो टेक्निक उन्होंने बदली थी उससे बच्चों के मार्क्स में बढ़ोतरी हो गई सारे ही बच्चों के। तो उन्होंने कहा भाई ये टेक्निक अच्छी है, हम इसी टेक्निक से पढ़ाएंगे। तो इस तरह से ये एक और एग्जांपल है, वो देखिएगा। तो अब आप एक्सरसाइज 3.3 करिए, और वो भी है जो नहीं आएगा आपको तो आपको अलग से बता दिया जाएगा। तो ये आपका, अब आएंगे हम चांस एंड प्रोबेबिलिटी पे।